सियासत में मैनेजमेंट के महारथी समझे जाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव से पहले ही बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल पहुंचे डॉक्टर मिश्रा ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संभाली बंगाल की कमान। अब बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छे दिन लाएंगे नरोत्तम मिश्रा। ममता सरकार को उखाड़ भाजपा सरकार बनाएंगे नरोत्तम। बंगाल पहुंचते ही नरोत्तम मिश्रा ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के खात्मे में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कद अब बीजेपी में बढ़ गया है। भाजपा आलाकमान को भी अब उनके सियासी मैनेजमेंट पर काफी भरोसा होने लगा है। यही वजह है कि सियासी दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए मौजूदा समय में सबसे अहम राज्य बने पश्चिम बंगाल में नरोत्तम मिश्रा को उतारा गया है। बंगाल की 48 विधानसभा सीटों का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी मिलते ही नरोत्तम मिश्रा ने काम संभाल लिया। गृह मंत्री ने माँ तारापीठ के दर्शन कर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि वहां पहले से ही एमपी बीजेपी के एक और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोहा ले रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं। दरअसल एमपी की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा में अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों शिवराज कैबिनेट में एक साथ काम भी कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों की जोड़ी का फायदा पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।